नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पकरिया मंडी प्रभारी को बेवजह किया जा रहा बदनाम। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पकरिया मंडी में शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए तोल उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा रही है। पर किसानों का कहना है कि हम घर से 41.5 किलो तोल कर लाते हैं, पर मंडी में 2 किलो कम निकलता है, जो कि निराधार है। और ये सब आरोप एक ही किसान ने लगाया है, जिसकी 600 कट्टी धान की थी। किसान का कहना था कि धान की बिना तोल के ही पास कर दिया जाए, जिसकी वास्तविक जानकारी मंडी प्रभारी द्वारा दी गई, जिसका कहना है कि शासन चाहे तो जाँच कर सकते हैं। मैं अमित कुमार कश्यप, सेवा सहकारी समिति संस्था प्रबंधक, पकरिया झूला। जो इस प्रकार की जो अफवाह है पूरा निराधार है, इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। तौल एकदम शासन के निर्देशानुसार तौल किया जा रहा है और किसी भी किसान से किसी भी प्रकार से अधिक धान नहीं लिया जा रहा है। उनके कहने का यह था कि धान अधिक लिया जा रहा है, जबकि उस मेरे सामने में उनके धान को तौल किया गया और उनकी जो तौल है एकदम सही पाया गया तौल, इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा धान प्राप्त नहीं हुआ। तो आपके ऊपर क्या भरोसा? उनके कहने का मतलब यह था कि जो मेरा धान आया है 600 कट्टी उनकी आवक थी, तो उनको सीधा स्टेक मानने के लिए उनके द्वारा बोला जा रहा था। तो मैं उसको साफ मना कर दिया कि इस प्रकार से नहीं होता, कि भाई आपके धान को तौलना हमारी जिम्मेदारी है और हम आपके धान को तौलेंगे, उसके बाद ही आपको तौल पत्रक दिया जाएगा। गया और उसको लगा कि मैं जनपद सदस्य हूं, तो मेरे जनपद सदस्य के नाते इस तरह से काम नहीं किया जा रहा, कह के वो हो हल्ला करने लगे और मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे। जांच कर सकते हैं, यानी अधिकारी आकर के जांच कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में कोई अनियमितता या किसी भी किसानों से ज़्यादा धान नहीं लिया जा रहा है।